विगत 28 जून से लापता कुम्हारी के कपड़ा व्यापारी जय कुमार साहू को अंततः पुलिस ने रायपुर में पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर रायपुर के मौधापारा में कपड़ा व्यवसायी जय कुमार साहू पकड़ा गया। व्यापारी द्वारा अपनी मृत्यु की साजिश रचकर गुमराह करने अपनी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को खारो नदी में छोड़कर गुम हो गया था। कुमारी के जय कलेक्शन नाम कपड़े की दुकान चलाने वाला जय कुमार साहू अचानक 28 की रात को अपनी दुकान बंद कर घर ही नहीं पहुंचा। दूसरे दिन उसकी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल खारून नदी के पास से बरामद की गई। अनहोने की आशंका से नदी की एसडीआरएफ की टीम दो दिन लगातार उसे खोजती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच पुलिस द्वारा जय का मोबाइल भी खंगाला गया। कॉल डिटेल्स के आधार पर उसके नजदीकी लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच अपने किसी परिचित से उसने संपर्क किया। इसी नंबर को ट्रेस किया गया, जिससे पता चला कि लापता व्यापारी पटना में है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चंद्राकर, निरीक्षक साइबर क्राइम संतोष मिश्रा के मार्ग निर्देशन में गुमशुदा की पतासाजी करने टीम बनाकर अजय सिंह और आरक्षक ACCU अरविंद मिश्रा को तत्काल पटना भेजा गया। व्यवसायी द्वारा दूसरे लोगों का फोन इस्तेमाल कर गुमराह करते हुए पटना के साउथ बिहार एक्सप्रेस से रायपुर आ गया, जिसे ट्रेस कर एवं मुखबिर की सूचना पर रायपुर के मौधापारा से पकड़ा गया। व्यापारी द्वारा अपनी मृत्यु की साजिश रचकर गुमराह करने अपनी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन को खारू नदी में छोड़कर लापता हो गया था। व्यवसायी के मुताबिक वह व्यक्तिगत मानसिक परेशानी व तनाव के दौर से गुजर रहा था। इस कार्रवाई में निरीक्षक PD चंद्रा, उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह, आरक्षक अरविंद मिश्रा, आरक्षक विक्रांत सिंह, आरक्षक राजकुमार सिंह, आरक्षक कविंद्र साहू, आरक्षक दिलीप हरन की सराहनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।